नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं चक्रव्यू। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक ऐलान न हुआ हो, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने चुनावी अभियान को और तेज कर दिया है। सूबे की सियासी नब्ज की थाल लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ के दो दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुंदेलखंड में खाद की किल्लत से आत्महत्या करने वाले किसान परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंची। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस छोड़ने वाले हरेंद्र मलिक और उनके बेटे पंकज मलिक को पार्टी में एंट्री दिलाते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश में खाद का संकट लगातार गहराता जा रहा है और बुंदेलखंड में किसान सबसे ज्यादा दिक्कतों से गुजर रहे हैं। खाद के लिए कई दिनों से लाइन में लगे रहने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही और अब हताश किसानों की जान पर भी बना रही है, और इसीलिए विपक्ष भी लगातार अब सरकार को खाद की किल्लत को लेकर घेरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में खाद के लिए लाइन में लगे किसान की तबीयत खराब हो जाने की वजह से मौत हो गई, तो जबकि दूसरे किसान ने खाद संकट से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। ऐसे में प्रियंका गांधी बुंदेलखंड के ललितपुर में किसान परिवारों से मिलने के लिए पहुंची, जिसने खाद की किल्लत से परेशान होकर आत्महत्या कर ली और दूसरी जिसकी मौत हो गई। प्रियंका गांधी लगातार पीड़ित परिवारों से जाकर मुलाकात कर रही हैं, जिनकी किसी भी वजह से जान जा रही है या फिर कोई हादसे का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में प्रियंका ने गुरुवार को ट्रेन से ललितपुर जाने के लिए लखनऊ से चार बाग स्टेशन पर कुलियों से मिली और उनकी समस्याओं को भी जाना। इससे पहले आपको बता दें कि लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि किसान मेहनत कर फसल तैयार करे तो फसल का दाम नहीं, किसान फसल उगाने की तैयारी करे तो खाद नहीं, लेकिन किसान विरोधी भाजपा सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। लगातार आपको बता दें किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे, यूपी के दौरे पर है। वो दो दिन लखनऊ में प्रवास कर सूबे की चुनावी नब्ज टटोलेंगे और साथ ही बीजेपी के चुनावी रणनीति को भी धार देंगे। ऐसे में यूपी चुनाव से ठीक पहले अमित शाह का लखनऊ दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद अब अमित शाह लखनऊ तो कई बार आ चुके हैं, लेकिन पार्टी मुख्यालय में संगठन की बैठक लेने वो पहली बार पहुंचे हैं। मिशन 2022 को धार देने के लिए शाह पांच बड़ी बैठक करने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी संगठन पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे, साथ ही जन प्रतिनिधियों से मिलकर प्रदेश की सियासी हालात के फीडबैक भी लेंगे। यानी कि औपचारिक ऐलान चुनाव का नहीं हुआ है, लेकिन अपने अपने स्तर पर तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी हैं, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, हर कोई चुनावी मैदान में उतर चुका है और पूरी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि 2022 में हमारी सरकार यूपी में बने। ऐसे में आपको बता दें कि अमित शाह 2013 में यूपी प्रभारी के रूप में 2014 लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, तब सबसे पहले बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित कर बूथ स्तर के संगठन को प्रोत्साहित भी उन्होंने किया था। इस बार भी वो लखनऊ पहुंचे तो सबसे पहले अवध क्षेत्र के प्रभारी और संयोजकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सदस्यता अभियान की शुरुआत आज से अमित शाह ने यूपी में कर दी है। शाह का फोकस इस बार सामाजिक समरसता पर रहेगा, जिसके तहत पिछड़ों और दलितों को पार्टी से जोड़ने की रणनीति बनाई जा रही है। किस तरह से पिछड़ों और दलितों को पार्टी से जोड़ा जाए, इस पर सबसे ज्यादा जोर बीजेपी की तरफ से इस बार दिया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी के लिए 2017 जैसे चुनावी नतीजे दोहराने के लिए भी प्लान वो बनाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इस समय बीजेपी के सामने यही बनी हुई है कि 2017 के जो नतीजे आए थे विधानसभा चुनाव के, वही नतीजे या फिर उससे अच्छे नतीजे इस बार भी होने चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है और इसी को प्लान किस तरह किया जाएगा, प्लान बनाने के लिए आज अमित शाह पहुंचे हुए हैं। उधर प्रियंका गांधी की भी तस्वीरें देख रहे थे आप कि प्रियंका गांधी बुंदेलखंड में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों के बीच पहुंची, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव उन्हें तगड़ा सियासी झटका देते हुए आज नजर आए। दरअसल पश्चिम यूपी में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पूर्व
सांसद हरेंद्र मलिक और उनके बेटे पूर्व विधायक पंकज मलिक को अखिलेश यादव ने सपा में सदस्यता दिला दी और ऐसे में दोनों ही नेता सपा में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस छोड़कर सपा में आने वाले दोनों ही नेता जाट समुदाय से आते हैं और प्रियंका गांधी के बेहद ही करीबी भी माने जाते हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर अखिलेश की साइकिल पर सवार होने से प्रियंका गांधी को पश्चिमी यूपी में सियासी तौर पर यह बड़ा झटका लगा है। तो प्रियंका गांधी जहां एक तरफ महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस करती हुई दिख रही हैं, महिलाओं के लिए रणनीति बनाती हुई दिख रही हैं, महिलाओं से वादे करती दिख रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बेहद करीबी माने जाने वाले नेता पार्टी छोड़कर सपा का दामन थामते हुए आज नजर आए। तो यानी कि आज आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने बुंदेलखंड में से हुंकार भरी है और जो पीड़ित किसान हैं, जिन किसानों ने आत्महत्या की है, जिनकी जान गई है, उनके परिवारों से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की और लगातार ये सिलसिला बीते कई दिनों से जारी है कि प्रियंका गांधी यूपी में इसी तरह से कई परिवारों के बीच जा रही हैं, कई परिवारों से वो बातचीत कर रही हैं, कई परिवारों से वो मिल रही हैं और ऐसे में बीजेपी सरकार को भी पूरी तरह से घेर रही हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज प्रियंका गांधी बुंदेलखंड के दौरे पर निकली, तो ट्रेन से वो ललितपुर पहुंची जहां पर उन्होंने पीड़ित किसान और मृतक किसानों के परिवारों से बातचीत करी, उनका हाल और आश्वासन कहीं ना कहीं उन्हें देती हुई वो नजर आई। उधर अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी भी पूरी तरह से अब कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद आज दो दिवसीय दौरे पर अमित शाह भी लखनऊ पहुंच चुके हैं, वो लखनऊ के दौरे पर हैं। ऐसे में आज उन्होंने सदस्यता अभियान की शुरुआत भी कर दी और इस अभियान में बता दें आपको एक करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ने का मिशन रखा गया है और ऐसे में साथ ही अमित शाह कई बैठक भी करेंगे। और इसके साथ अगर सपा की बात कर ली जाए तो अखिलेश यादव भी अब पूरी तरह से एक्टिव हैं, क्योंकि यूपी में अगर साफ तौर पर देखा जाए तो लड़ाई सीधे तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही होती हुई नजर आ रही है और हर किसी की निगाहें भी इन्हीं दो पार्टियों पर सबसे ज़्यादा टिकी हुई हैं, क्योंकि साफ तौर पर यही दो पार्टियां सबसे ज़्यादा ऊपर उभर कर आई है और इसीलिए लड़ाई सीधे तौर पर इन्हीं में देखी जा रही है। इसीलिए आज अखिलेश यादव की तरफ से कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया गया है। तो आज इसी पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे क्योंकि लगातार अब यूपी में सियासत बढ़ती जा रही है और दिन पर दिन जो है चुनावी एजेंडा सेट किया जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनीता अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और तमाम मेहमान अब से थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। अनीता जी, आज मिशन 2022 के लिए अमित शाह लखनऊ पहुंचे हैं, वो दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि इस बार 2022 में बीजेपी की वापसी होगी और 300 पार सीटें बीजेपी जीतेगी। देखिए, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, किसान बेहद परेशान है यूपी में, किस तरह से आप 300 पार का ये नारा लगातार दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि आप हमारा कि महंगाई महंगाई की जहां तक बात आप कह रहे हैं कि महंगाई उस हिसाब से देखिए तो महंगाई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा पेट्रोल और डीजल की बात आती है या गैस की बात आती है, वो एक अनीता जी आप इसे थोड़ा सा कह रही हैं, आप एक आम आदमी से पूछिए उसकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है। आपके लिए शायद थोड़ा होगा, लेकिन जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लिए बहुत महंगा है ये। हम भी आम आदमी हैं, मैं आम ही हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने कहा इंटरनेशनल से होता है पेट्रोल डीजल, इसलिए अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो पेट्रोल की कीमत उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, पंजाब में देखें तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। ये सब अपने अपने स्टेट के हिसाब से और इंटरनेशनल के हिसाब से पेट्रोल और डीजल का दाम तय होते हैं। अभी भी उत्तर प्रदेश का पेट्रोल का जो दाम है और प्रदेशों से काफी कम है, ऐसा नहीं अगर आप देखें तो। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, पंजाब में किसकी सरकार है, राजस्थान में किसकी सरकार, वहां तो देखिए आप।
आप पेट्रोल के दाम देखिए और यहाँ के वहाँ का क्राइम देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अनीता जी अभी बात तो लेकिन यूपी की बात तो यूपी की हो रही है, इसलिए सवाल भी आपसे ही किया जाएगा क्योंकि बढ़ती महंगाई जो है भले ही दूसरे राज्यों का आप गिना रही है, वहाँ पेट्रोल डीजल के दाम महंगे है लेकिन परेशान अभी यूपी की जनता बहुत ज्यादा है। देखिए यूपी की बात है लेकिन देश से अलग तो नहीं है ना, और सबसे बड़ी बात है हम यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी का अगर मुकाबला करें तो हमारी जो जनसंख्या है और स्टेट से सबसे ज्यादा है, और उसके बाद इसके क्राइम को काबू करना, वहां पे सब योजनाओं को लागू करना, लोगों को आवास देना, शौचालय देना, उनको सारी सुविधाएं देना, बिजली देना, आयुष्मान भारत करना, सब जगह आज के फ्री में अनाज देना, और आज निचले स्तर तक जो व्यक्ति है उसके साथ पूरा सहयोग करना, हॉस्पिटल बनवाना, आपके क्या कहते हैं हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाना, ये सारे काम हमने किए हैं, फ्लाईओवर हमने तैयार किए हैं, हमने सारा काम किया, काम के आधार पर हमने अब जनता के पास है, लेकिन बाकी लोग कोरोना काल में भी नजर नहीं आए, जो मुसीबत की बात थी जनता से वोट मांगने किस मुंह पे जाएंगे, जो कोरोना के में मदद नहीं कर पाए, हमारे योगी जी ने तो बच्चों को लाकर उनके घर घर तक पहुंचाया है, मजदूरों की रक्षा की, मजदूरों को खाना पीना सब खिलाया, उनकी पूरी व्यवस्था की, और यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता सब कोरोना अनीता जी खड़े थे, ये तो करना आपका कर्तव्य था, ये कोई अनोखा काम तो नहीं किया ना आपकी पार्टी ने, ये जो एक छोटे से छोटा आम आदमी था उसने भी लोगों की मदद की ऐसे समय में। मेरी बात आप अनोखे काम की बात नहीं कर, लेकिन हमने आज काम किस आधार तक किया ये तो देखिए, और सरकारों में हमारी सरकार में काम का आधार देखिए, आज हमने कितने लोगों को घर दे दिए जो बिना किराए पे रहते, पश्चिम के पास बिजली नहीं थी, घर गाँव गाँव बिजली पहुंचाई है, घर घर बिजली पहुंचाई है, आज वहाँ की आज की जनता देखिए, जनता खुद कह रही है कि मोदी सरकार में हमको अनाज मिल रहा है, मोदी सरकार में घर मिल रहा है, मोदी सरकार में बिजली मिल रही है, मोदी सरकार में हमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिल रहा है, मोदी सरकार में हमें, आज गरीब लोग जाके पूछिए वो कितने खुश है, गांव में जाके देखिए, गांव में खुशहाली देखिए जाके, आज का बात कम से कम वो कह रहे हैं। अनीता जी जो किसान परेशान है, जो खाद की किल्लत है उसका क्या, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लाइन में लगकर किसानों की जान जा रही है। आपको शायद याद होगा किसानों को यूरिया के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, और आज तो किसानों को हम लोग ऋण माफ किए हैं, किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं, ये कुछ किसान नेता ऐसे हैं या कुछ राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष के लोग हैं वो उतार के सब काम कर, बाकी किसान आप जाके देखिए किसान खुशहाल है, और किसान यानी कि अनीता जी बुंदेलखंड में जो कुछ किसानों की जान गई है खाद की किल्लत की वजह से, एक किसान ने आत्महत्या कर ली, एक किसान लाइन में लगते हुए उसकी जान चली गई तबीयत बिगड़ने से, और आप कह रही हैं कि किसान खुश है। नहीं नहीं देखिए स्वास्थ्य खराब होना एक अलग बात है, आप देखिए किसानों में हमने ब्याज माफ उनके क्या कहते हैं ऋण माफ किए हैं, उनके उनको क्या कहते हैं उनके खाते पैसा जा रहा है, किसानों को यूरिया के लिए जो लाइन लगानी पड़ती थी कोई लगाई लगानी, और आज किसानों के लिए जिसे सरकार जितनी अंदर शायद ही कोई हो, और आज किस और आपको शायद याद होगा गन्ना किसानों के ऋण के लिए कितने आत्महत्या हुई थी, कितने शुगर मिले बेच दी गई थी, ये जब सरकारों ने जनता भूली नहीं है ना किसान भूले हैं, किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है, चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, आज किसानों का सब कार्य हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें आपको ये बता दें आप दावा कर रहे हो 2022 में आप देखिएगा 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी का आएंगी, यानी कि अनीता जी जो महंगाई है जो किसानों की नाराजगी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी जीत पर 2022 में। देखिए मैं आपको बता ये केवल विपक्ष गुमराह कर रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप जाके गांव में देखिए, और हम जो खुद गए हैं गांव में हम जानते हैं वहां की जनता ये क्या कह रही, जनता ने खुद कहा है कि भैया आज हम कल से हमारे पास बिजली है, आज हमारे पास घर है, आज हमारे पास है, आज हम खाना खा रहे हैं, हमें अनाज नहीं मिलता था, खाना नहीं खा पाते थे हम लोग, कितनी गरीबी में रहते थे, आज कम से कम रोशन में रह रहे हैं हम, आज हमारे घर रोशन है, दिवाली मना रहे हैं हम। ठीक है अनीता जी, लेकिन देखिए किसानों की बात पर मान सकते हैं कि किसानों को विपक्ष जो है गुमराह कर रहा है देश को किसानों को, लेकिन महंगाई तो एक मुद्दा है ना, महंगाई के मुद्दे पर तो कोई किसी को गुमराह नहीं कर रहा है, कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के, ना ना महंगाई कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष क्यों गुमराह कर रहा है, आपको याद होगा 50 रुपए किलो आज से 15 चलिए ठीक है अनीता जी 50 रुपए किलो प्याज किए थे 50 रुपए किलो उस समय,
50 रुपए किलो 15 साल पहले की बात बता रही हूँ। चलिए ठीक है अनीता जी, अनीता जी मिलते थे, अनीता जी ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस नेता स्वामीनाथ जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामीनाथ जी साफ तौर पर अनीता जी कह रही हैं कि महंगाई तो मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष गुमराह कर रहा है। अब इससे ज्यादा बेशर्मी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वो देखिए ना जो प्याज 50 रुपए किलो, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए यार। अनीता जी अब सुन लीजिए, बात सुनिए, आपका बात सुना मैं, बीच में बोलिए, थोड़ा आवाज गूंज रहा है, कम करिए वहां स्टूडियो से। जिस तरह से किसान के मुद्दे पर ये लोग ताना बाना लेकर जिस तरह से लीपा पोती कर रहे हैं, आज ललितपुर में किसान जान दे दिया लाइन में लगकर ही, और बोल रहे हैं किसान और गांव खुशहाल है और महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। अरे भाई रोज कमाने खाने वाले से पूछो 200 रुपया लीटर सरसों तेल और राशन का भाव, दवाई का भाव, तिलहन दलहन से लेके सारा चीज, वो जो ठेला खुमचा और श्रमिक है, मजदूर है, किसान है, और जो आम व्यक्ति है, छोटा व्यापारी है, अपने परिवार को, इन लोगों को दूर दूर का घोल चुहाओं लगता है। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, महाराष्ट्र की बात मत करिए, मैं उत्तर प्रदेश। अनीता जी अभी यूपी की बात हो रही है तो पहले यूपी की ही बात कर लेते हैं। अनीता जी, अनीता जी अभी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो वहीं की कर लेते हैं। अरे पहले टेक्नोलॉजी बंद कीजिए और बात सुनने का क्षमता रखिए। अनीता जी, अनीता जी, अनीता जी इस तरह से ना तो आपकी बात समझ आएगी और ना जो स्वामीनाथ जी कह रहे हैं उनकी बात समझ आएगी। पहले उनकी बात सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगी तब आप बोलिएगा। अनीता जी रुक जाइए, एक बार थोड़ा सा सुन लीजिए। सबसे पहले देखिए आपकी पूरी बात सुनी गई। सरकार है विपक्ष का, महाराष्ट्र देश से बाहर है, पंजाब देश से बाहर है, देश से बाहर है, देश में बाहर है, देखिए इस तरह से तो कोई भी चर्चा नहीं हो पाएगी, ना किसी की बात समझ आएगी और ना जो आप रखना चाह रहे हैं अपनी बात वो रख पाएंगे। एक एक करके बोलिए, दोनों को समय दिया जाएगा, एक एक करके बोलिए। अनीता जी पहले सुन लीजिए स्वामीनाथ जी की बात, बोलने नहीं दे रही। बोलिए स्वामीनाथ जी। देखिए बीच में मत बोले, उनका बात मैं सुना हूं, अनीता जी का कह रही है महंगाई कोई मुद्दा नहीं होता। अरे भैया रोज कमाने खाने वाले वो पीड़ित पीर पराए जाना ना पीड़ा कैसे गरीबों का, आप बीच में मत बोलिए। अरे फिर बोलने लगे स्वामीनाथ जी, बीच में बोलती हो इस तरह का, बीच में टप जाते बातें नहीं शुरू होने दो। चलिए ठीक है स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी रुक जाइए, आप ही चुप हो जाइए, अनीता जी को बोल लेने दीजिए पहले। गरीबों की बात कर रहे बोलिए, मजदूरों को भगाने वाले गरीबों की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र का तेल का दाम बताते तो उनको पता चल जाए जो महंगाई की बात कर रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करिए आप। नहीं अनीता जी आप बताइए, महंगाई नहीं है क्या? आप क्यों बार बार महाराष्ट्र और पंजाब की बात ला रहे हैं? आप यूपी की बात करिए, यूपी में महंगाई नहीं है क्या? अभी आप जाइए आम आदमी कितना परेशान है, पूछिए जरा। अरे आप बताइए महाराष्ट्र देश से बाहर है क्या? अरे अभी ठीक है, आपकी बात सही है, आपकी बात अनीता जी सही है, महाराष्ट्र में महंगाई है, लेकिन अभी बात उत्तर प्रदेश की हम कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात करेंगे जब आप बोलिएगा, अपना पक्ष रखिएगा। कैसी बातें कर रही है आप? पूरा देश एक है, देश में सारी देश को कोई अलग नहीं कर रहा अनीता जी, पूरा देश एक है, लेकिन अभी हम चर्चा जो कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर कर रहे हैं। आप लोग जात पात में बांटते हैं, आज प्रदेशों को बांटेंगे क्या? प्रदेश को कोई नहीं बांट रहा अनीता जी, महाराष्ट्र अलग नहीं। अनीता जी, अनीता जी, अनीता जी पहले आप शांत हो जाइए, पहले शांत हो जाइए, आप पहले शांत हो जाइए, यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आई हैं। देखिए लड़ने झगड़ने से यहाँ कुछ नहीं होगा, देखिए शांत हो जाइए पहले। आप पंजाब और महाराष्ट्र को देश से अलग नहीं कर सकते, देश के अंदर है वो, और उत्तर कोई देश से अलग नहीं कह रहा पंजाब और महाराष्ट्र को। किसने बोला कि दोनों कैसे कह रहे महाराष्ट्र को छोड़ दे? आप क्यों कह रहे उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां हम देश में जो प्रदेश होगा उसकी बात करेंगे।
अरे आप एक बात बताइए, महाराष्ट्र पंजाब में सरकार तो अभी नहीं है ना आपकी, यूपी में आपकी सरकार है, तो यूपी में जो रहा है तो सवाल तो आपसे किया जाएगा। नहीं हाँ सवाल आपसे करिए तो, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस क्यों कह रही है महंगाई को, महंगाई पहले वहां तो काबू करे तब यहाँ पे उंगली उठाए ना, दूसरे पे उंगली उठाने के लिए पहले अपने गिरे बाढ़ में तो निकाला की नहीं निकाला, मजदूरों को क्यों निकाला आपने महाराष्ट्र से, यूपी में रोजगार अगर मुहैया होता तो महाराष्ट्र में। अनीता जी क्या हो गया, अनीता जी थोड़ा सा शांत हो जाइए, इस तरह से नहीं चर्चा हो पाएगी, थोड़ा सा शांत हो जाइए और दूसरे की बात भी सुनिए। कांग्रेस अपने गिरे बाद में झांक ले पहले, ठीक है अनीता जी, अनीता जी ठीक है आपकी बातें सुन ली, अनीता जी अब थोड़ा सा शांत हो जाइए। अनीता जी देखिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही राहुल और प्रियंका, भ्रष्टाचार के सोनिया गांधी भ्रष्टाचार में जमानत पे है, राहुल गांधी भ्रष्टाचार में जमानत पे, अरे शर्म करो, पहले शर्म करो, आप शर्म करो, एक अपराधी शर्म आप करो, आप करो, जिस तरह से बोलने का तुम लोग जबान बंद कर देते हो, कोई अपराधी नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, आप के अनीता जी, अनीता जी देखिए, अनीता जी समय ज्यादा मेरे पास नहीं है, समय ज्यादा नहीं है, अगर आप इसी तरह से बोलती रहेंगी ना तो कोई बात रखी जाएगी और ना ही कोई चर्चा हो पाएगी, थोड़ा सा आप शांत हो जाइए। स्वामीनाथ जी अब आप बोलिए, आप अनीता जी प्लीज चुप रहिएगा, इनको चुप कराइएगा तभी डिबेट का कोई बात फायदा, बोलिए स्वामीनाथ जी क्या फायदा, लगातार बोलते जा रहे हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, चुनाव उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में 5 साल तक कोई घोषणा नहीं, अब चुनाव नजदीक आ गया तो घोषणा का तांता लगाया जा रहा है, और ये कह रहे हैं गरीबी कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ का श्रमिक मजदूर क्यों मजबूर हो गया महाराष्ट्र गुजरात में जाकर काम करने के लिए, गुजरात से पद से पैदल चल के उतना, जिस तरह से कोरोना काल में 2020 में असंगठित संगठित प्रवासी मजदूर मौत का मंजर देखा है, पीड़ा सहा है, और गुजरात में भी इनका सरकार है, गुजरात फिर बोल दी, आप झूठ बोलेंगे तो कैसे बता। अनीता जी जब आपके पास आऊंगी आप तब जवाब दीजिएगा, अनीता जी रख रहा हूँ मैं, नहीं अनीता जी देखिए अगर आप दूसरे की बात नहीं सुनेंगी तो आपसे फिर किस तरह से आपकी बात कोई सुनेगा, आप थोड़ा सा शांत रहिए, आपके पास आऊंगी आप हर बात का जवाब दीजिएगा, बोलिए स्वामी जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना काल में मौतों का मंजर लगा हुआ था गंगा के तट पर, ये लोग भाजपा वाले उस पर नृत्य कर रहे हैं और बड़ा ढकोसला परोस रहे हैं, आज किसान जिस तरह से लाइन में लग के यूरिया के लिए आत्महत्या कर रहे हैं, मौत हो रहा है, ललितपुर का एक घटना एक बहुत पीड़ादायक घटना हुआ है, जो किसानों के साथ जो किसानों की बात करते हैं, किसका कौन सा सुखी है, वहां मजदूर ना परेशान है, किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, जहां जात पात धर्म की शुरुआत से ही राजनीति होती है, और जो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा उत्तम प्रदेश है, इतना बड़ा प्रदेश है जहां पर खुलेआम जिस तरह से गरीबों को शोषण किया जा रहा है, महंगाई की बात, अरे भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार है और केंद्र में क्रूड ऑयल कम होने के बाद भी डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है, जिससे आम आदमी को हर सामान खरीदने में जो आयात निर्यात है और जिससे सामान आता है डीजल ट्रकों से, तो उसका कीमत बढ़ जाने से सारे चीज, चलिए ठीक है स्वामीनाथ जी ठीक है, पेट्रोल सुनिए पहले 200 रुपया किलो सरसों तेल हो गया, और 2014 में हम सत्ता दिए तो सिलेंडर 350-400 का था, आज सिलेंडर जो उज्ज्वला योजना का है लोग ढोल पीट रहे थे, आज उज्ज्वला योजना लकड़ी जलाने पर मजबूर हो गए। चलिए ठीक है स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अनीता जी की बात सुन लेते हैं, अनीता जी बहुत देर से बोल रही थी, अनीता तो बात कब से बोल रहे थे, मेरा बात तो फिनिश नहीं करने दी, करिए आप जल्दी से कीजिए, आप खाली क्या है ये महाराष्ट्र पहुंच जा रही है, अरे महाराष्ट्र में हमारा समझौता का सरकार है, गुजरात आपका सरकार है, गुजरात से पद से पैदल कितना मरुद्वी कितना प्रवासी संगठित मजदूर आए, और ये महाराष्ट्र में चुनाव 2022 में जो चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, किसान परेशान है। चलिए ठीक है स्वामीनाथ जी ठीक है, जवाब ले लीजिए,
स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का एक कीड़ा नहीं, ठीक है अनीता जी बोलिए। और ये बोलती है कि किसान सुखी है और संपन्न है, बोल देने से कथनी और करने में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी बीमा पोती की सरकार धोखेबाज भ्रम दो करोड़ नौकरी की बात करने वालों को 2 लाख खाते में। स्वामीनाथ जी आप सुन लीजिए, स्वामीनाथ जी आप भी वही कर रहे हैं, आप सुन लीजिए। अरे क्या मैं करूँ, ये बोलते जा रही थी तो ठीक है, अब आपको समय दिया था आपने बोल लिया, आप सुन लीजिए। 2 करोड़ नौकरी 5 लाख 15 लाख खाते वाली बात करके आई सरकार और धोखा देना इनका नीति और सिद्धांत है। चलिए ठीक है अनीता जी, अनीता जी और स्वामीनाथ जी ठीक है, आप दोनों को यही रोकूंगी, समय ज्यादा नहीं है, ना तो आप किसी की बात सुन रहे हैं, ना आप एक दूसरे को अपनी बातें रखने दे रहे हैं, समय ज्यादा नहीं है मेरे पास। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो ऐसे में यूपी में सियासत पूरे जोरों शोरों से की जा रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। लगातार सपा कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेर रही है महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर, तो वहीं बीजेपी अपने विकास की डगर पर आगे बढ़ रही है। लगातार बीजेपी की तरफ से गिनाए जा रहे हैं कि हमने 4 साल में क्या कुछ यूपी में किया, क्या कुछ यूपी को दिया, ये तमाम बातें बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं। और आज इसीलिए बीजेपी की तरफ से लखनऊ में अमित शाह पहुंचे हैं जिन्होंने मिशन 2022 की शुरुआत कर दी है। और ऐसे में आपको बता दें 2 दिवसीय वो दौरे पर हैं जहां पर उन्होंने सदस्यता अभियान की भी शुरुआत वो वहां पर कर चुके हैं, लेकिन 2022 में जनता का क्या कुछ रुख रहने वाला है ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।